हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी, बिस्किट केक। तो बिस्किट केक को हम बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से बनाने जा रहे हैं। ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है, यानी कि बिस्किट केक बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम ले रहे हैं ये दो बिस्किट के पैकेट, ये हमारे पास पार्ले जी के 5-5 रुपए वाले दो बिस्किट के पैकेट हैं। और इन बिस्किटों को हमने अच्छे से तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद हम मिक्सी के छोटे जार में डालकर इनका एक पाउडर बनाने जा रहे हैं। तो बिस्किट का पाउडर हमने बना लिया है और इस पाउडर को हम निकालने जा रहे हैं एक बाउल में, क्योंकि हम इसका एक केक बैटर तैयार करने जा रहे हैं। तो इस बिस्किट के पाउडर में हम मिलाने जा रहे हैं 2 चम्मच बूरा। आप चाहें तो बूरे की जगह शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। और ये हमारे पास है कोको पाउडर, तो कोको पाउडर ले रहे हैं हम 1/2 चम्मच। आप कोको पाउडर की जगह चॉकलेट भी ले सकते हो। तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। मीठा आप स्वाद के अनुसार करें, क्योंकि पहले से ही हमारे जो बिस्किट हैं वे मीठे हैं। तो हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें दूध डालकर एक पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे। और अब मैं मिलाने जा रही हूँ इसमें 2 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो इसमें बटर या फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। घी डालने के बाद हमें अच्छे से मिलाना है और हमें 2 चम्मच को एक ही साइड में घुमाना है, घुमाते हुए चलाना है। तो बैटर हमें थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो हम उसमें 1 चम्मच दूध डाल के और फिर अच्छे से मिला लेंगे। और ये मेरे पास 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर है और ये 1/2 चम्मच से 1/2 बेकिंग सोडा। तो हम किसी चीज़ को बेक करते हैं तो उसके लिए बेकिंग पाउडर कंपलसरी है, तो इसलिए हमें जो है बेकिंग पाउडर ज़्यादा लिया है और बेकिंग सोडा कम। तो बेकिंग सोडा और पाउडर डालने के बाद हमने अच्छे से चला लिया है। अब हम ले रहे हैं एक बर्तन जिसमें हम केक बनाएंगे, तो उसमें हमने घी लगा लिया था। ये हम मिला रहे हैं 2 हरी इलायची जो हमने कूट के एसेंस की जगह डाली है। तो उस बर्तन में हम डाल रहे हैं मैदा, जिस बर्तन में हमें केक जमाना है, यानी कि केक बेक करना है। मैदा डाल के इस तरह से हमने मैदा को चारों ओर कर लिया है और केक के बैटर को हमने अच्छे से चला लिया है। आप जिसमें केक बेक करने जा रहे हो उसमें आप बटर पेपर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल भी लगा सकते हो। तो इस तरह से बर्तन को आप टैप कर लीजिए, जिससे कि हमारा केक बैटर जो है वो अच्छे से सेट हो जाए बर्तन में। हमारे पास ये चोको चिप्स हैं, इनमें मैं 1/2 चम्मच मैदा डालकर इनको मैदा में कोट कर रही हूँ और केक के ऊपर इस तरह से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब मैं, हमारा जो केक बैटर तैयार हो गया है, तो अब हम इसको केक को बेक करने जा रहे हैं। तो 15 मिनट पहले हमने गैस पर रखी थी कढ़ाई और उसमें डाला था 1 कटोरी नमक। लो मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट में हमारी कढ़ाई फ्रीट हो गई है। अब हम इसमें रख रहे हैं छोटी कटोरी स्टैंड के लिए और उस पर रख रहे हैं हम केक बेक होने के लिए। और अब हम ऊपर से हमने प्लेट ढक दी है और अब हम इसके ऊपर ढकने जा रहे हैं ये किचन टॉवल। केक को हमें जब बेक करना है तो अच्छे से ऊपर से कवर होना चाहिए, जिससे कि उसकी हीट बाहर ना निकले। अगर हमारी हीट बाहर निकलेगी तो हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक नहीं हो पाएगा। 40 मिनट बाद हम देख रहे हैं तो केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। आप देख सकते हैं हमारी स्टिक एकदम प्लेन आ रही है। तो गैस हमने बंद कर दी है और केक को हम बाहर निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के लिए अब हम छोड़ देंगे केक को ठंडा होने के लिए और उसके बाद हम निकाल लेंगे एक प्लेट में केक को। ये केक बहुत ही आसानी से और बनकर तैयार हो जाता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। काफ़ी सॉफ्ट स्पॉन्जी
ये केक बनता है। तो इस तरह से केक ठंडा हो गया था हमारा और हमने इस तरह से पलट के एक प्लेट में केक को बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं केक हमारा कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो हम फिर से इसको पलट लेंगे और अब हम इसको काटने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये कट रहा है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और इसको बनाने में ना हमने ओवन यूज़ किया है, ना ही माइक्रोवेव और ना ही ओटीजी, ओनली गैस पर सिंपल आसान तरीके से हम कढ़ाई में इस केक को बनाकर तैयार करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बिस्किट केक की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप मेरी इस रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।